अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कबीर, उठ गया? उठ हाँ गया? या हाँ, मैं अभी चल लेता हूँ, अभी लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय बिहाइंड द सीन चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? नींद बड़ी ज़बरदस्त हो गई, सही है। और अभी बस अर्ली मॉर्निंग है और हम ज़रा फ्रेश फ्रेश हो गए, इसके बाद फिर आगे निकलेंगे। लेकिन एक ही से पहले लैपटॉप पे काम है छोटा सा, वो करना है यहीं पे बैठ के, और इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। ठीक है भाई? भाई ये बेगम ने फुल इंतज़ाम किया हुआ है नाश्ते का। चिकन स्प्रेड लेके आई हैं, ब्रेड लेके आई हैं, और ये अब नाश्ते की तैयारी हो रही है बेहतरीन किस्म की। आ हा हा, क्या बात है। मैं जब तक अपना BTS का एपिसोड 1 एडिट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद, नीचे बच्चों की मस्तियाँ चल रही हैं, साथ साथ यहाँ पे वीडियो एडिट हो रही है और नाश्ता हो रहा है। अभी तक हम लोग निकले नहीं है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो के चक्कर में रुका हूँ। जैसे वीडियो कंप्लीट होगी इसके बाद फिर जो है वो हम लोग फॉरन निकल जाएंगे। ये है भाई, देखें VIP शावर सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मंदिर जाएंगे, कौन सा वाला? अच्छा सभी में, ओके ठीक है भाई। यहाँ पे 3 है, लास्ट टाइम जो मैं आया था तो उसमें एक एक अलग अलग दरवाजे के अंदर एक एक सीन अलग अलग बना हुआ था। तो अब हमने इसको लॉक कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखें भाई, साफ़ सुथरा वॉशरूम, मतलब जैसा होटल्स के अंदर होता है वैसा मोटरवे के अंदर जो है सारा सीन है। ये शावर की फैसिलिटी है, ठीक है। ये शावर है बेहतरीन किस्म का VIP, तो बंदा सफ़र के अंदर जो है ना, मतलब उसको फील ही ना हो थकन। अगर वो रात में रुक भी गया या मतलब वो थकन फील हो रही, तो आराम से बंदा जो है वो शावर ले और इसके बाद ही फिर आगे बढ़ सकता है बंदा। तो ये सीन है। अब आपका भाई फ्रेश होता है। ये जो पिंक कलर का बैग आप देख रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, वाइफ का है। आप लोग सोचेंगे पिंक कलर का लेके क्यों घूम रहा है। और ये देखें भाई, टॉवल भी मंगवा लिया इन लोगों से, बेहतरीन सेटअप। अब ठंडे ठंडे पानी से गर्मी में शावर लेते हैं भाई। सफ़र में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना लोगों के लिए, वो यही होता है कि साफ़ बाथरूम मिलना चाहिए, ठीक है, नहाने की कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और मेरा भी यही मसला है कि भाई मुझे बाथरूम VIP चाहिए, मतलब बाथरूम साफ़ सुथरा चाहिए, बाकी हर चीज़ में गुजारा कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह शावर ले लिया भाई, फ्रेश हो गया मैं बिल्कुल। और लैपटॉप अब देखते हैं, चार्ज पे लगा दिया था, अंदर क्या सीन है उसका। भाई मैं तो नहीं पीता, लेकिन वाइफ ने बोला मेरे लिए चाय लेके आए, तो ये चाय आ गई वाइफ की। खोलना दरवाज़ा, खोलना ये। भाई अब फाइनली सारे कामों से फारिग होने के बाद सफ़र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और पेट्रोल जो है वो फुल करवा रहा हूँ, आधी टंकी हो गई थी, तो अब एक और बार फुल कराते हैं, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह मुल्तान पे ही जाके रुकेंगे। नेक्स्ट स्टॉप जो है ना मुल्तान पे करेंगे। यहाँ से एक सैंडविच मिल रहा था, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना, रास्ते में भूख लगेगी तो काम आएगा। भाई एक मिले हैं, कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ननकाना साहब। अरे ननकाना साहब जा रहे हैं, हम कश्मीर जा रहे हैं, मिले भाई हमको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई, थैंक यू सो मच। भाई अब आके हम पहुंचे मुल्तान। हाय हाय हाय, दिल तो कर रहा है मुल्तान उतर जाएं भाई, दिल तो कर रहा है कि मुल्तान उतर जाएं। और लास्ट टाइम भी जो है ना हलवा वगैरह लिया था काफी सारा, याद है राबिया? हम लोग बल्कि मुल्तान में तो हमने एक रात स्पेंड की थी, लेकिन इस दफा टाइम ना होने की वजह से और थोड़ा सा एडवेंचर करने के चक्कर में हम जो है ना मोटरवे पे रुके थे। लेकिन अभी दिल बहुत कर रहा है मुल्तान उतरने का, चले वापसी में देखेंगे इंशाल्लाह, वापसी में अगर हुआ तो मुल्तान उतरेंगे। कितने लोग बोलते हैं कि मुल्तान उतरना चाहिए और थोड़ा हलवा वगैरह और थोड़ा फूड वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, बताइएगा। अगर ज्यादा लोगों ने बोला तो फिर वापसी में इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। भाई ये देखें मुल्तान, जो सखर मुल्तान मोटरवे था ना, ये एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। टॉल आ गया, अब इस टॉल को हम क्रॉस करके अगला नेक्स्ट जो मोटरवे होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि फिर लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी जो है वो निकलता है। तो हमने इस्लामाबाद जाना है, तो ये टॉल का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम हुआ, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये पर्ची हम इनको देंगे और पता चलेगा कि कितना सखर मुल्तान मोटरवे का इसको यूज़ करने का कितना टैक्स है, ठीक है भाई। देखें सखर मुल्तान मोटरवे, जब आप सखर से स्टार्ट करेंगे मतलब पूरा मोटरवे की सर्विस आप लेंगे तो 670 रुपये बनेंगे। ये हमने 670 रुपये इनको पे किए, ठीक है। अभी यहाँ पे वो नहीं है, एमटेक नहीं लगता, सही है, वरना मैंने तो एमटेक रिचार्ज कराया हुआ था, लेकिन सखर मुल्तान मोटरवे पे अभी एमटेक जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो दूसरा मोटरवे स्टार्ट किया ना, ये देखें अब इसकी पर्ची मिल गई, आगे जब हम इसको क्लोज करेंगे तो पता चलेगा कि इसका कितने चार्जेस होंगे। लेकिन इतनी ख्वारी से बंदा बच जाता है, टूटे फूटे रोडों से बच जाता है और बड़ा सुकून से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है, तो बड़ा रीजनेबल है 670 रुपये। दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गुजर रहे हैं अब्दुल मालिक फरीद भाई के घर के पास से, तो मोटर पे उतर गए हैं भाई और उनको कॉल कर दिए और साथ खाना खाएंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल मलिक फरीद भाई से, ठीक है भाई। यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा हूँ,
और तकरीबन अब मोटर पे उतरने के बाद एक घंटे का रास्ता उनके घर का, तो वो पहुँचते हैं उनके घर पर डायरेक्ट। ये भाई हमारे अब्दुल मालिक फरीद भाई, वेलकम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक भाई। भाई हमने बोला कि आज अचानक अचानक प्रोग्राम बन गया और जो है ना अब्दुल मालिक भाई को पकड़ते हैं जाके। तो कैसे हैं? शुक्र, मौसम फुल गर्म है यहाँ पे। बड़ा तो कब आना हुआ आपका, कितने दिन हुए यहाँ पे? मैं 6 के वो आया हूँ आज। अच्छा। 12 है आई थिंक या 13। एक हफ्ता होने को है तक। हाँ एक हफ्ता। और बताएं आज हम? हाँ हाँ भाई, खाने का टाइम है। अच्छी खासी देर तक जो है ना अब्दुल मालिक भाई के साथ चिट चैट हुई, बातचीत हुई, और अब जो है वो हम खाना खाने के लिए लगे हैं। सही है। और ये माशाल्लाह जो है वो चावल है, चिकन है, और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ खाना खाने के लिए बच्चों के साथ। और इन्होंने तकलीफ़ की अब्दुल मालिक भाई ने काफ़ी, इनकी मेहमान नवाजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाना खाएंगे हम। निकाल प्लेट में, वो भी निकाल लो। बिस्मिल्लाह। वाह भाई, घर का खाना और VIP खाना है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चावल है, चिकन का पुलाव है। ठीक है। ये भाई अब्दुल मालिक भाई जो है ना कुछ यूनिक चीज़ लेके आए, बताएं भाई क्या है ये? डायरेक्ट अल-कुद्स से ही आया। अच्छा। अल-कुद्स से? अच्छा, फलस्तीन से। जबरदस्त। हाँ ये देखें यहाँ पर, इसमें ना ये इजरायली लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। और ये अल-कुद्स का है। ये मेरे दोस्त हैं सुहेल। वाह भाई, दुबई से वो गए थे अल-कुद्स में। बेहतरीन, जबरदस्त, वो लेके आए। तो मैं चाहता हूँ हमारे मुस्तफ़ा भाई ये ट्राई करें। बेहतरीन। बहुत ही यूनिक चीज़ है। पिस्ते की टॉपिंग हुई भी है और चॉकलेट है। इसके बीच में क्या है? खजूर। खजूर है। अरब के अक्सर स्वीट्स में ना खजूर आ रही होती है बीच में, लेकिन बहुत मुनफरिद और बहुत ही अलग चीज़ है भाई। बहुत आपका नसीब था। देखें आप कहाँ पर आके, हम लोग एक तो अभी मदीना में मिले थे और उसके अलावा फिलहाल लाइट गई हुई है हमारे यहाँ पर। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, लेकिन देखें अभी हम लोग वहाँ पर मदीना में मिले थे। बिल्कुल। और अब यहाँ पर हमारे गांव की तरफ आए हैं। और मुझे इस सफर पे आने से पहले मालूम ही नहीं था कि आप पाकिस्तान आ गए। मैं रास्ते अच्छा। में जो है ना आपकी वीडियो मतलब एक नजर से गुजरी, तो मैंने बोला लगता है आप जो है वो आ गए यहाँ पे, जो आप मुल्तान आ रहे थे। सही है। तो अच्छा, फिर मैं मोटरवे पे, मैंने बताया कि मैं मोटरवे से गुजर रहा था, मुल्तान के पास से गुजरा ना, मैंने वहाँ पे बोर्ड की तस्वीर लेके अब्दुल मालिक भाई को पिक्चर भेजी। मैंने बोला देखें भाई आपके इलाके से गुजर रहे हैं, तो इन्होंने बोला भाई मैं यहीं पे हूँ आप आ जाएं। तो देखें इत्तेफाक बिल्कुल सडनली जो है ना सीन हुआ कुछ इस तरीके से, और मुलाकात हो गई माशाल्लाह। यहाँ पे खाना खाया, काफी देर बैठे, और अब जो है वो हम बस निकलेंगे और देखें यहाँ की फलस्तीन की जो है ना मिठाई खाने की। यहाँ पर खाने की क्या बात है, जबरदस्त। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई, अच्छा टाइम स्पेंड किया हमेशा की तरह, और अब बस इस्लामाबाद के लिए निकलना है। वरना अब्दुल मालिक भाई ने बोला कि आप स्टे करें यहाँ पे, और एक दो और पॉइंट थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना आपको दिखाते, लेकिन मैंने बोला अगर वापसी में कुछ सीन थोड़ा विलेज लाइफ में चाह रहा था कि आप एक्सपीरियंस करते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी भाई ने सफर, मैं तो सोच के मुझे जो है ना थकन सी महसूस हो रही है सफर का। तो आप वापसी पे इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर कुछ विलेज लाइफ का ना थोड़ा बहुत आपको। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अब्दुल मालिक भाई ने जो है ना मतलब एक्सेप्ट किया हमें, और माशाल्लाह जो है वो काफ़ी तकलीफ़ भी की, और अल्लाह पाक उनके दस्तरखान में बरकतें दे। बट ही इज़ वेरी काइंड मैन, मतलब आप बड़ा अच्छे दिल के बंदे, और वरना नॉर्मली बंदा मसरूफियात के अंदर होता है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर यार उन्होंने इतनी सारी चीज़ें अरेंज की, और बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर। जब भी मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। घर से निकले हैं और दोबारा मोटर पे चढ़ने के लिए तकरीबन एक घंटा है वापस, और टोटल अगर अभी देखा जाए तो तकरीबन 6-6.5 घंटे का रास्ता इस्लामाबाद के लिए। अगर हम सुबह वहां से जल्दी निकलते, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते, तो हमारी हो सकता था कि रात नथिया गली में होती, क्योंकि हमने सोचा कि नथिया गली में स्टॉप करेंगे। सुना है कि फैमिली के साथ स्टे करने के लिए वो जो है वो अच्छी जगह है, तो अब इस दफा एक्सपीरियंस करते हैं, आपको भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये सीन है, तो अब हम जो है वो जा रहे हैं भाई मोटरवे, और लेकिन रात जो है ना मुझे लग रहा है कि आज हम लोग मोटरवे पे ही दोबारा एक और रात गाड़ी के अंदर रुकेंगे। इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाए तो काफी है, ठीक है ना। और फिर अगर इस्लामाबाद के करीब आज पहुंच गए तो फिर सुबह सुबह फिर हम नथिया गली के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हम एटलीस्ट इस्लामाबाद के करीब या इस्लामाबाद में पहुंच जाएं, ठीक है। तो सफर स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ चलें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लामाबाद चलते हैं। भाई आ गए हम लोग फाइनली मोटरवे पे, ठीक है, और अब हम जो है वो दोबारा इस्लामाबाद के लिए बैक ऑन ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई एक और पर्ची मिल गई, ठीक है। अब ये यहाँ से कैलकुलेट करेगी हमारा टॉल जब हम इस्लामाबाद उतरेंगे। भाई अभी भी 388 किलोमीटर है इस्लामाबाद, भाई क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी आ जा नीचे यार, जल्दी आ जा। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए रुका हूँ, ठीक है ना भाई? ये देखिए मोटरवे पे एक तो आता है सर्विस एरिया, जो कि बड़ा सर्विस एरिया होता है जहाँ गैस स्टेशन भी होता है और बाकी रेस्टोरेंट वगैरह भी होता है। एक होती है छोटी सी रेस्ट प्लेस होती है, देखें अलग से जो है ना एक पोर्शन बना होता है, समझ आप, एक आधी गाड़ी पार्क होने का, सही है। यहाँ पे देखें शेड बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, मंजर दिखाते हैं। ये देखें सामने हरियाली, ये खेत है, और अब मैं बाहर जाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा उससे आपकी और बचपन की यादें ताज़ा कराऊंगा मैं। विलेज लाइफ जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ सामने भैंसे हैं, नहा रही हैं, पीछे जो है वो यहाँ पे फसलें हैं, और पूरी मतलब जो है ना विलेज लाइफ आप इस मोटरवे से देख सकते हैं। तो मुझे जो है ना एक बचपन की चीज़ मिली है, ठीक है, मेरे अबू लेके आए थे, सही है। अच्छा यहाँ पे आप बैठ के, अक्सर मैंने देखा है लोग यहाँ पे शेड के नीचे बैठ के जो है ना आराम से कुछ हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट भी खा सकते हैं, और साथ में जो है वो कुछ भी मतलब आप बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, बचपन में आप लोगों ने खाए होंगे। हम लोग तो जो है ना बचपन में क्या करते थे, इस चिप्स को जो है ना इस क्रैकर को उंगली में पहनते थे, पांचों उंगलियों के अंदर, और इस तरीके से फिर इसको खाते थे, ठीक है। तो कुछ दिन पहले अब्बू घर पे लेके आए थे, तो मैंने बोला यार आप और ले आना, तो हम लोग सफ़र पे जा रहे हैं तो लेके जाएंगे। तो ये बड़े चटपटे से हैं मसाले वाले, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन की याद ताज़ा हो गई भाई, स्कूल का वक्त याद आ गया, दो दो तीन तीन रुपए के ये मिलते थे। वाह भाई, मेरा तो दिल पता क्या चाह रहा है, मुझे गांव की लाइफ इतनी पसंद है कि ये देखें दरख्त हैं, दरख्तों के नीचे जो है मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, फिर हरियाली हरियाली, मेरा तो दिल चाहता है कि भाई मैं यहाँ से उतर जाऊँ मोटरवे से और डायरेक्ट सामने जाके बैठ जाऊँ, और क्या मज़ा आता है, मतलब ऑर्गेनिक कुछ फ्रूट्स हों, कुछ ऑर्गेनिक कुछ खाना हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, गन्ना हो, कोई यहाँ पे कीनू वीनू ये वो कुछ इस तरह की चीज़ हो, और बंदा बैठ के आराम से दरख्त के नीचे छाँव के अंदर बैठ के खाए और इंजॉय करे। ये देखें भाई बच्चों के साथ साथ क्या बनना पड़ता है, लकड़ी की काटी सुनते हुए इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ भाई, जब से अब्दुल मलिक भाई के घर से निकले थे तब से लेके अब तक कोई भी सर्विस एरिया नहीं आया था, और आप लोगों ने एक गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी मोटरवे पे, अगर इतनी सी भी पेट्रोल की टैंक आपकी नीचे जाती है और अगर आपके पास कोई गैस स्टेशन आता है आपने फ़ौरन फ्यूल डलवाना है, क्योंकि सम टाइम्स बहुत लेट लेट सर्विस एरियाज आते हैं। तो अभी बस मगरिब की नमाज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे आया है सर्विस एरिया, और बस नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फ्यूल दोबारा से फुल करवाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबे सफ़र के बाद अभी आया है। ये देखिए भाई 7:15 बजने वाले हैं, ठीक है, अब नमाज़ पढ़ के हम आगे निकलते हैं और देखते हैं कितने बजे तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मैं नमाज़ तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी एक बेकरी टाइप का काउंटर बना हुआ है जहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ राइट साइड पे जनरल स्टोर है, और जो है ना ठंडे पानी की बोतल भी उठा लेते हैं, थोड़ी अंदर से उठाते हैं, ज़्यादा ठंडी होगी। अब्दुल कबीर, ये अब्दुल कबीर भी उठ गया भाई, सोया हुआ था जितनी देर तक हम लोग रास्ते में थे, अभी सोया हुआ था। ये शावरमा ले लिया, दो जूसेस ले लिए, ठीक है, कुछ पीने की तलब हो रही थी टाइट वाली, मैंगो जूस ले लिया और ठंडी पानी की बॉटल ले ली, सही है। अब कुछ हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट करके रात में हमारा मिशन है कि यार अगर थोड़ा सा और आगे पहुंच गए ना तो कलर कहार के पास आता है बड़ा सर्विस स्टेशन जहाँ पे KFC और सबवे मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ कुछ खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। भाई कलर कहार तो मैं अभी तक नहीं पहुँच सका, उसके लिए अभी भी तकरीबन 2.5 घंटे हैं, लेकिन मैं एक जगह पर रुका हूँ ताकि नमाज़ पढ़ लूँ और चाय वाय पिलाता हूँ वाइफ को, ताकि वो भी थोड़ी सी एक्टिव रहे और बातचीत करते रहें। देखें ज़रा यहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, अभी वज़ू है, पहले नमाज़ पढ़ते बाद में करते हैं कुछ खाने आने का सीन। वाह भाई देखें भाई, ये भाई चाय बना रहे हैं, चाय बना दें भाई, एक चाय, ये पैसे ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू भाई। ये आ गई भाई चाय, बेगम को देते हैं ज़रा, हम
रहे भाई, जिसका इंतजार था वो आ गया। सामने ये मैकडॉनल्ड्स और KFC के साइन देखने के लिए हम तरस गए थे, क्योंकि खाना नहीं खाया कुछ भी, सिर्फ इसके चक्कर में थे कि बस यहाँ पहुँच जाए किसी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, ठीक है। और टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, 12:48 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ लें आप 1 बज गया। और हम जो है ना यहाँ पे पहुँच गए। ये देखिए, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हार्डीज है, डंकिन डोनट्स है, मैकडॉनल्ड्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं क्या खाना है बेगम को और मैंने क्या खाना है। अब्दुल कबीर को मैंने लास्ट स्टेशन पे पिज़्ज़ा लेके खिला दिया था, ठीक है ना, लेकिन मेरा दिल हो रहा था कि यार भेरा सर्विस सेंटर के ऊपर ही खाएं, ओ सर्विस एरिया के ऊपर। ये भाई KFC आ गया, ओए होए 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 होए, अब यहीं पर पार्क करके सो जाएंगे आराम से खा पी के ना कुछ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई, अब बच्चे सोए हुए हैं गाड़ी के अंदर, वरना हम जो है ना अंदर जाके KFC खाते हैं। लेकिन अभी मैं टेक अवे ले लेता हूँ और बस 2 जिंगर उठाएंगे, सही है ना, इसी की क्रेविंग थी। पूरे रास्ते में KFC नहीं आता भाई, कहीं पे भी भेरा पे आता है भाई। लेने में KFC गया था, लेकिन क्यों पता नहीं मेरा दिल किया कि मैं KFC ना लूँ, मैं हार्डीज़ लूँ। तो मैं हार्डीज़ लेने के लिए आ गया था, 2 crispy chicken burger ले लिए और 1 drink और 1 पानी। तो बस बर्गर आ रहा है, 2 मिनट में फिर लेके जाते हैं। भाई अब सीन ये हुआ कि KFC के अंदर गया मैं, सही है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों वहाँ पे दिल नहीं हुआ KFC लेने का, मेरा दिल हुआ हार्डीज़ खाने का। तो मैंने बोला भाई हम हार्डीज़ खाएंगे, अल्लाह पाक ने यही नसीब में लिखा था, तो हमने हार्डीज़ खाना था, सही है भाई। अब हार्डीज़ का हमने बोला कि भाई जिंगर से मिलता जुलता क्या चीज़ है, तो ये है भाई क्रिस्पी चिकन, ठीक है, जिंगर टाइप का सीन है कुछ। अब ये ज़रा ट्राई करते हैं, मैंने हार्डीज़ यहाँ पर नहीं खाया कभी, हार्डीज़ मैंने हार्डली खाया होगा तो, हाँ दुबई में खाया था एक मरतबा, लेकिन वो कुछ बीफ का सीन था, तो वो बहुत अच्छा था। जो दुबई का एक्सपीरियंस था हार्डीज का, वो बहुत अच्छा था। ये है इसके साथ भाई चिली गार्लिक, ये हम निकालते पहले, ये हमने निकाला भाई चिली गार्लिक। ओ हो हो हो, अल्लाह करे अच्छा हो, बस इतनी उम्मीद से मैं पता नहीं कैसे चला गया हूँ हार्डीज़ में, अचानक ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, वो वाली कहानी हो गई थी। साइज़ में छोटा है भाई, 470 रुपये का है, मतलब पैसों के मामले में तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ऊपर है सारी चीज़ें। ये है भाई, आप लोग लेंगे निवाला या मैं लूँ? चलो मैं लेता हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी है, KFC का इतना स्पाइसी नहीं होता, तो KFC तो हम खाते रहते हैं। ये अच्छा हुआ कि आज हमने डिफरेंट चीज़ ट्राई की, खाना ना खा लिया, सारा सीन हो गया और देख लिया यहाँ पे भेरा सर्विस एरिया के ऊपर जो है ना शावर्स भी हैं, तो सुबह यहीं से शावर वगैरह लेके निकलेंगे और कल यहाँ से 2 घंटा इस्लामाबाद, फिर 2 घंटा नथिया गली। तो इंशाल्लाह कल से खूबसूरत इलाकों का सफर स्टार्ट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। और जैसा कि अभी तक आप लोग कनेक्टेड हैं, इंशाल्लाह बहुत सारा कॉन्टेंट आएगा, बहुत मजा आएगा। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। तो बच्चों को पहले ही सुला चुके हैं और अब जो है आप निकले, शाबाश पीछे। और यार इस दफा जो है ना ये वाली सीट मेरी थोड़ी सी पीछे नहीं जा रही, पता नहीं मैट्रेस के सेटिंग से हमने रखा है, वरना लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो ये सीट काफी पीछे चली जाती थी, तो मेरे लिए सोने में आसानी हो जाती थी। तो कल मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, लेकिन अल्लाह मालिक इंशाल्लाह अभी कोशिश करते हैं जितना इसको पीछे हो सका करेंगे, ताकि जो है वो गुजारा हो जाए, क्योंकि आज गाड़ी के अंदर तो आखिरी रात है, इसके बाद जितना भी हमने रुकना है ना वो फिर होटल का ही सफर है ना, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वहां पर फिर हम जो है वो मतलब होटल के ऊपर ही स्टे करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह भाई कल सुबह 3rd episode के अंदर, 3rd day। अपना ख्याल रखिएगा, BTS को सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़। आज मैं ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट के ऊपर आ गया और वो मैंने मैट्रेस को पीछे पकड़ के रखा, तो ये वाली सीट काफ़ी लेट गई है, तो अब जो है ना मेरे लिए आसानी हो गई है। अब मैं इंशाल्लाह इस तरफ सो रहा हूँ और उस तरफ पैर रखे, तो VIP हो गया, अल्लाह हाफिज़।